बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट सेकंड की कंप्यूटर साइंस की जो है बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी एक ऑनलाइन क्लासेस हैं पार्ट सेकंड के हवाले से। ठीक है, तो इसको ये हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से, जो कि एक प्रोग्रामिंग सेक्शन है, सी लैंग्वेज पोर्शन है। यहाँ से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 प्रोग्रामिंग विद सी, गेटिंग स्टार्टेड विद सी जो है ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह कितने टाइप की, आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने लिखा है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर्स को कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुछ हदायत का मजमूआ होता है जो हम कंप्यूटर को अपना कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना होता है। और पर्टिकुलर टास्क से मुराद कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मखसूस काम हो सकता है। आप कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशंस का इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे सकते हैं, कोई आप एडिटिंग कर सकते हैं, कोई आप उसमें कोई पिक्चर एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, कोई वीडियोस एडिटिंग का काम कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क आप कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो उसको हम बेसिकली स्पेसिफिक टास्क के हवाले से लेंगे। ठीक है, अब ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया। जाहिर बात है, जो भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है या कंप्यूटर से जो भी काम लेना है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और उसके इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक तो ये बेसिकली सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप ये सर कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज होती है वो दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। आप इसको इस सेंस में भी बड़े इजीली आप ले सकते हैं कि जैसे कि हम आपस में अगर कम्युनिकेशन करें तो हम एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। वी स्पीक इन उर्दू, वी स्पीक इन इंग्लिश, वट एवर जो भी लैंग्वेज हमें आती है, हम उस लैंग्वेज को यूज करके हम अपनी बात जो है एक दूसरे को समझाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ही कंप्यूटर को भी हमने अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेंगे, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे और उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे। बेसिकली क्या हो गया, वो लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल और हाई लेवल। पहले आपको इन दोनों के डिफरेंस का पता चल जाए कि बेसिकली लो लेवल और हाई लेवल में क्या फर्क है। लो लेवल जो है आप कह सकते हैं कि ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर के नियर अबाउट होती हैं। ठीक है, नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं, मीन्स के हम जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप हमें उसी की लैंग्वेज में ही उसको अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको समझ आएगी। तो बेसिकली और हाई लेवल जो है ये आप कह सकते हैं कि ये नियर टू ह्यूमन है, इंसान के लिए जो है वो आसान है, बट फार फ्रॉम कंप्यूटर है। ये कैसे फार फ्रॉम है, हम आगे इसको देखें। तो लो लेवल लैंग्वेज के आगे दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, और बाइनरी फॉर्म का आपको पता है जीरो और वन की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, जीरो वन की फॉर्म में जो भी डिजिट्स होते हैं ये हम उसको वो बाइनरी फॉर्म कहेंगे, या मशीन फॉर्म या मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी फॉर्म, जीरो और वन की फॉर्म में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज में होगी। तो दैट इज नियर टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ही लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है। जो नियर टू कंप्यूटर या नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, नियर टू कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म, दैट इज मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है,
बट थोड़ी सी हाई है, वो थोड़ी सी हाई हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें कुछ लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं या कुछ अल्फाबेट्स जो जो है वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह और बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और इस इसको मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। यानी असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें इसके लिए एक ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। ट्रांसलेटर की हमें जरूरत पड़ती है, वो इन जो वर्ड्स को सिंबल्स को जिनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं उसको कन्वर्ट करेगा मशीन के फॉर्म। जबकि मशीन लैंग्वेज में है हमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है तो कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को समझना है तो इसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जबकि हमें असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है तो दैट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मशीन, और वो मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। तो उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ आ जाए, ये समझ लें कि ये बिल्कुल नियर टू ह्यूमन है, इंसान इसको इजीली समझ सकता है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स में हम कोई भी जो भी रूल्स हैं, जो भी आपको पता है लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज ये क्लोज टू ह्यूमन है। लाइक जो हम फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश वर्ड अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और कंप्यूटर को हम देंगे। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट आर क्लोज टू ह्यूमन सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें जो फॉर एग्जांपल इनपुट है, हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम इनपुट करेंगे, और कंप्यूटर से अगर हमने आउटपुट लेनी है, इंस्ट्रक्शंस जो भी प्रोसेस होके हमें स्क्रीन पे नजर आती है वो हम लेनी है तो वो हम प्रिंट की कमांड जो है वो हम यूज करेंगे, प्रिंट की इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यूज करेंगे। तो ये जस्ट इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, तो दैट इज वाई हम इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहेंगे। और उसकी एग्जांपल्स में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बेसिक मैंने लिखी हुई है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि हम कंप्यूटर में हम उन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर्स में डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर या डिफरेंट किस्म की जो भी प्रोडक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर की शक्ल में वो हम बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ प्रोग्रामिंग के हवाले से कि प्रोग्राम क्या होता है, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो कंप्यूटर को हम उसको देते हैं उसकी टाइप्स आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी पता हमने कर लिया कि ये बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि एक तो ये इजी टू लर्न है, हम आसानी से इसको सीख सकते हैं, इजी टू लर्न, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जैसे होता है, आप उसमें इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखते हैं, तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस आप इजीली सीख सकते हैं। तो इजी एरर डिटेक्शन है। अब इस लैंग्वेजेस के साथ जो ट्रांसलेटर्स होते हैं या जो कंपाइलर्स होते हैं वो आसानी से एरर की डिटेक्शन हो जाती है, फॉरन एरर का पता चल जाता है कहाँ पे प्रोग्राम का एरर है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एरर्स भी आते हैं। तो ये फर्दर हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से एरर आते हैं, कितने टाइप्स के एरर आते हैं, और फिर उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। इसी तरह से मशीन इंडिपेंडेंस है, आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम हाई लेवल का मैंने लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी लिखा प्रोग्राम आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह शॉर्टर प्रोग्राम्स है कि हाई लेवल पहले जो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो बहुत लेंथी हुआ करते थे, यानी टू मच लेंथी हुआ करते थे कि उसमें बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती थी जो कि बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती थी। ये इसमें जो अभी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो भी प्रोग्राम लेंगे वो शॉर्टर प्रोग्राम्स होंगे, उतने बड़े लेंथी प्रोग्राम्स नहीं होंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और इसमें हमारे सारा जो भी प्रोसेस होता है या हमारे जो भी स्पेसिफिक टास्क होता है वो हम उसको जो है एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स है, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि ये पहले से ही
जिस बंदे ने ये भी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो भी जिसने बनाई है उसने एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स दे दिया, ये आपने बस यूज करना है, इसी के थ्रू आपने कंप्यूटर को कमांड देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रीन पे आउटपुट लेनी है, स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट एफ की कमांड है, तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है कि आप उसको यूज करके जो है जो बिल्ट इन उन्होंने आपको सिंटेक्स दे दिया है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि आपने प्रोग्राम को लिखना कैसे है, हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स, और डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, रूल्स को फॉलो करके जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो आप उसको आप कह सकते हैं ये सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स इज द रूल टू राइट प्रोग्राम, तो इसमें स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स है। ठीक है, तो बिल्ट इन है, बड़े बड़े फंक्शंस हैं, ये सारे हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं यूज हो रही हैं, वो हमने आज डिस्कस की और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। तो ये हमारा चैप्टर 8 का गेटिंग स्टार्टेड विद सी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Thank you very much.